हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम लोग रेनबो की कक्षा 3 की रेनबो से लेसन अर्ली टू बेड को पढ़ेंगे और उसकी हिंदी समझेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, अर्ली टू बेड। अर्ली मीन्स जल्दी, बेड माने बिस्तर यानी कि पलंग, पलंग पर जल्दी जाना। अच्छा, अब ये बताइए, इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? इसमें एक मुर्गा है जो सूर्य निकला हुआ है और बोल रहा है। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कूँ, कुकड़ू कूँ। पहले जब घड़ी नहीं होती थी तब लोग मुर्गे की बांग से ही उठ जाया करते थे। अब आप इस चित्र में देखिए, इसमें एक लड़की है जो कि पलंग पर लेटी हुई है, उसके पास में घड़ी रखी हुई है। बेड, बेड मीन्स पलंग, BED, बेड, बेड मीन्स पलंग। आइए अब पोएम पढ़ लेते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड यानी कि शाम को बिस्तर पर जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज, अर्ली मीन्स सुबह जल्दी, राइज मीन्स उठना, जल्दी सोना और जल्दी उठना। मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज एक व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाते हैं। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, वेल्दी मीन्स धनी एंड वाइज मीन्स बुद्धिमान। मैन मीन्स आदमी या सभी लोगों के लिए मैन शब्द का प्रयोग किया गया है। मेक्स मीन्स बनाना, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का ही विकास होता है। इसलिए जब हम सूर्य उगने से पहले उठेंगे और सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा में सांस लेंगे, और अगर हम उसमें थोड़ा योगा भी करेंगे जो आपके इसमें दिए हुए हैं, योगा आसन प्राणायाम, केवल सांस ऊपर लेना और सांस को एक लय में छोड़ना, और ये कुछ योग दिए हुए हैं, इनको करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब आप लोग इनके मीनिंग लिखिए, स्पेलिंग और मीनिंग मैं एक बार फिर बोल देती हूँ। अर्ली टू बेड बिस्तर पर जल्दी जाना, एंड अर्ली टू राइज और सुबह जल्दी उठना। मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज एक व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बताता है, यानी कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। सो बी हेल्दी एंड स्टडी भी करते रहिएगा। थैंक यू।